दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस यूपीसी के सफ़र में। फ्रेंड्स, अभी तक हमने बैक टू बैक काफ़ी वीडियोस देखी और हमने एक निर्धनता का टॉपिक कंप्लीट किया। अब जो वीडियो स्टार्ट होंगी वो अब होंगी बेरोजगारी से। कुछ 3 से 4 वीडियो मैक्सिमम बनेंगी, इससे ज़्यादा नहीं, इसकी चैप्टर की औकात नहीं है। तो इसके अंदर हम पहले डेफिनेशंस देखेंगे, बेसिक चीज़ें कंफर्म पहले ख़त्म करेंगे कि जो जो चीज़ें कहीं कहीं से क्वेश्चंस उठ सकते हैं पहले उनको ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद हम एनालिसिस पे चलेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस पे विश्लेषण करेंगे, मनरेगा 2 भी देखने की कोशिश करेंगे, कुछ छिटपुट गवर्नमेंट योजना भी थोड़ी बहुत देखेंगे ताकि आप मेंस पॉइंट के हिसाब से वो चीज़ इंपॉर्टेंट भी हों। ये सीरीज इंपॉर्टेंट है प्रिंस पॉइंट के हिसाब से। कहीं ना कहीं कुछ तिकड़मबाजी करके छोटे मोटे MCQs निकाल दिए जाते हैं और एस्पिरेंट्स लोगों को परेशान किया जाता है। तो जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं वो तो कर जाते हैं, पर जो इसको सोचते हैं कि हाँ अनएम्प्लॉयमेंट है हो जाएगा, उनकी क्लास लग जाती है। ये होता है दोस्तों। तो जिस वजह से मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बोलूँगा, इस सीरीज को सीरियसली लीजिएगा। आपको हो सकता है कुछ पता चल जाए, मौसमी प्रचंड संरचनात्मक बेरोजगारी, हो सकता है कि आप बोलें कि हो सकता है, बट चीज़ें जो दिखती हैं वो होती नहीं है। तो चीज़ों को बड़ी लाइटली मत लीजिए UPSC के अंदर, एक एक चीज को सीरियस तरह से आप जरूर लीजिए। बाकी आप लोगों की दुआ से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, सीरीज को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा और मेरा टारगेट यही होगा कि मैं आपके अप्रैल के एंड तक मैं आपको ये सीरीज कंप्लीट करके दे दूँ। अब आपने अपने अंदर एक चीज जरूर महसूस करी होगी, विश्वास। आपके अंदर एक आत्मविश्वास जरूर आया होगा। अभी तक जो आपने इतनी सारी वीडियोस देखी मेरी बैक टू बैक, कहीं ना कहीं आपके अंदर, चाहे भले मुझे मेल ना करें, भले कमेंट ना करें, एक साइलेंट विजिटर हूँ, बट अंदर एक विश्वास आया होगा कि हाँ मैं UPSC कर सकता हूँ। बस उसी विश्वास को मुझे जगा के रखना है। जो एस्पिरेंट सोचते थे कि UPSC बहुत मुश्किल है, इकनॉमी के बगैर काफ़ी एस्पिरेंट जो ये सोचते थे कि UPSC मेरा नहीं हो पाएगा, इससे बेटर है कि मैं छोटे मोटे एग्जाम्स की तरफ देख लूँ, तो अब जो वो लोग उठ के खड़े हुए हैं कि हाँ मैं अब UPSC की प्रिपरेशन करूँगा क्योंकि इकोनॉमी का सोल्यूशन मेरी तरफ से हो चुका है। तो ये विश्वास है दोस्तों, तो अपने विश्वास को कायम रखिए, हैव फेथ ऑन मी। आप मेरे पे भी थोड़ा बहुत विश्वास करिए, चलिए मैं सिर्फ जरूर कंप्लीट करूँगा, अपनी तरफ से कमिटमेंट दी है। बाकी मुझे आप लोगों से सिर्फ एक छोटी सी चीज़ चाहिए, इन वीडियोस को हो सके वहाँ तक शेयर कीजिए जहाँ तक वो एस्पिरेंट लोगों तक पहुँच जाए, जो लोग सोच रहे हैं कोचिंग लेने के लिए या फिर जो लोग कोचिंग नहीं ले पा रहे, ताकि उनके पैसे बच सकें और उनको एक कंसाइज वे में पूरी इकोनॉमी समझ आ सके। तो आज के मोटिवेशन के साथ अब हम बेरोजगारी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम बेरोजगारी की अवधारणा को समझने की कोशिश करेंगे, इसके बाद उसके प्रकारों पर चलेंगे और इस वीडियो को हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। प्रकार के बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्रिटिकल थोड़ा एनालिसिस करेंगे, अर्जुन सेन गुप्ता की कमेटी देखने की कोशिश करेंगे, उससे रिलेटेड क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या रिकमेंडेशंस थी, फिर कुछ छुटपुट आंकड़ों के बाद ये ऑलमोस्ट टॉपिक जो बेरोजगारी का है, जो प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू प्लस मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हवाले रखता है। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बेरोजगारी। देखिए दोस्तों, बेरोजगारी जिसको इंग्लिश में कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, हर एक युवा की तमन्ना रहती है कि वो कभी ज़िंदगी में बेरोजगार ना रहे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग रखता हो या फिर शहरी क्षेत्र से बिलोंग रखता हो। आज के समय भले ही कितना भी डिजिटाइजेशन हो जाए, कभी कहीं ना कहीं चाहे कितने भी टेक कम चीज़ें आ जाएं, साइड टू साइड कहीं ना कहीं ये चीज़ें फिर बेरोजगारी भी लेके आती हैं। आज के समय कंप्यूटर का उपयोग तो हो रहा है, भरपूर मात्रा में हो रहा है, स्मार्टफोन्स का भरपूर मात्रा में उपयोग हो रहा है, बट कहीं ना कहीं चीज़ें बेरोजगारी की तरफ भी आगे लेके आ रही हैं। क्यों? क्योंकि पहले जो चीज़ें, अगर बात करें जो चीज़ें 10 लोग करते थे, आज के कंप्यूटर के दौर में वो एक ही आदमी कर रहा है। तो बेरोजगारी तो भले एक मुद्दा है और युवाओं के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि युवा लोग जब बेरोजगार होते हैं तो कहीं ना कहीं समस्याएं भारत के अंदर या फिर पूरे देश के अंदर या पूरे विश्व के अंदर, जो भी युवा हो किसी भी कंट्री का, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आती आती हैं। तो बेरोजगारी का मतलब क्या है? ठीक है, बेरोजगारी चीज़ें कंसेप्ट वाइज समझ आती हैं, बट एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है इसकी? डेफिनेशन देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे यही बोलूँगा
कि बेरोजगार उसी को बोलते हैं, देखिएगा बेरोजगार उसी को बोलते हैं, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो, जो काम करना चाहता है किसी भी कीमत पे, कि ठीक है उसको एक मजदूरी के हिसाब से अगर उसको रेट मिल जाए, लेकिन उसको काम नहीं मिल पाता। मीन्स जैसे कि आपने देखा होगा, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, अगर नोटिफिकेशन किसी गवर्नमेंट जॉब का आता है तो आपने देखा होगा लाखों की तादाद में फॉर्म्स भरे जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग, हर आदमी चाहता है कि उसके पास एक गवर्नमेंट जॉब हो, एक सिक्योर लाइफ हो। तो जिस वजह से आपने देखा होगा कितने सारे बेरोजगार उसके अंदर उस एग्जाम के लिए दिन रात फाइट करते हैं। चीज समझ आ गई? तो बेरोजगारी अगर बात करें डेफिनेशन को लेकर, इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सोचें, तो जो अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त होने वाली मजदूरी की दर पर कार्य करने को तैयार हो, जो अपनी योग्यता के अनुसार प्राप्त होने वाली मजदूरी की दर पर कार्य करने को तैयार हो परंतु उसे कार्य ना मिल रहा हो, उसी को तो हम बेरोजगार कर रहे हैं बोलेंगे। लेकिन बेरोजगारी की परिभाषा ऐसे नहीं कि हर एक देश में सेम है। बेरोजगारी की परिभाषा चाहे वो यूएस हो चाहे यूरोप हो, वहां पे भी जो है डेफिनेशंस अगर बात करें, हर एक कंट्री की अपनी एक बेरोजगारी की परिभाषा होती है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कि यूएस के अंदर बेरोजगार व्यक्ति उसको बोला जाता है यदि किसी व्यक्ति को उसकी योग्यता के हिसाब से नौकरी नहीं मिलती। ध्यान समझिएगा, जिस व्यक्ति को उसकी योग्यता के हिसाब से नहीं मिलती तो उसको भी वो लोग वहां पे बेरोजगार मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एमबीए होल्डर है, अगर वो पिज्जा हट में काम कर रहा है, तो भी उसको अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उसको बेरोजगार बोला जाएगा, क्योंकि यहां पर जो वर्ड आता है अमेरिका के अंदर वो योग्यता आता है। ये जनरल फॉर नॉलेज है, ताकि आप लोगों को अगर आप मेंस लिखें या फिर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से या फिर कहीं ऐसे भी लिखें तो इस चीज को आप कॉट कर सकते हैं। यानी कि अमेरिका के अंदर योग्यता के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। अगर कोई एमबीए होल्डर हो, अगर पिज्जा हट में काम कर रहा हो एक डिलीवरी बॉय की तरह, तो उसको भी वहां के लोग जो बेरोजगार बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी योग्यता एमबीए होल्डर की है, बींग एज ए रिलेशनशिप मैनेजर की है या फिर एक मैनेजर की है, लेकिन मजबूरी में उसको नौकरी ना मिलने के कारण वो कहीं ना कहीं छोटी मोटी जॉब करके अपना काम गुजारा कर रहा है, लेकिन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, यूएस इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उसको बेरोजगार बोलेंगे। अभी तक हमने एक ब्रॉड डेफिनेशन देखी बेरोजगारी की, अब चलते हैं आगे बेरोजगारी के प्रकार से रिलेटेड, कि बेरोजगारी के प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। ये मैंने कुछ अपने तरफ से चार्ट बनाया छोटा सा। विकसित देश में कुछ इस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है, विकासशील देश में कुछ इस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है, और विकसित देश के अंदर कुछ इस तरह की बेरोजगारी पाई जाती है। क्वेश्चन क्यों बनाया आपने? एक यहां पे आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर चल रहा होगा। ये इसलिए बनाया क्योंकि यूपीएससी के अंदर इस तरह के एमसीक्यूज पूछे गए हैं कि चक्रीय बेरोजगारी किस किस देशों में पाई जाती है, या फिर मौसमी बेरोजगारी कौन कौन से देशों में पाई जाती है, कौन से विकसित, विकासशील, अल्पविकसित या नन ऑफ द अबव, कुछ इस, जिस वजह से अगर आपको ये चार्ट हल्का सा छोटा सा याद है तो आप ऑटोमेटिक आपको चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो हम एक एक करके पहले विकासशील देश की तरफ आगे बढ़ेंगे कि जैसे कि बेरोजगारी के अगर प्रकार की बात करें, तो विकासशील देश के अंदर मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, प्रछन्न जिसको हम अदृश्य या छुपी हुई बेरोजगारी, तीन वर्ड है दोस्तों इसके, प्रछन्न, अदृश्य या छुपी हुई बेरोजगारी जिसको बोल सकते हैं, ये पाई जाती है, और संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। विकसित देश की बात करें तो चक्रीय बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी, प्रतिरोधात्मक, इसको हम घर्षण को प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी भी कहते हैं। कुछ अन्य प्रकार की बेरोजगारी यहाँ भी देखने को मिलती है, जिसमें ऐच्छिक बेरोजगारी, खुली या अनैच्छिक बेरोजगारी बात एक ही है। तो ओवरऑल हम इसी का ही एक्सप्लेनेशन करेंगे इस पूरी वीडियो में, और एक एक बड़ी बारीकी के साथ आगे हम बढ़ने की जो है कोशिश करेंगे, ताकि आपके जो कंसेप्ट हों ऐसे निकल के आए कि लेक्चर्स देख लो काम हो जाए बस। तो यानी कि अब चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं विकासशील देश से। दोस्तों विकासशील देश के अंदर तीन तरह की बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है, जिसके अंदर पहला आता है मौसमी, दूसरा आता है प्रछन्न, और तीसरा आता है संरचनात्मक। मौसमी बेरोजगारी क्या होती है? देखिए बेसिकली मौसमी बेरोजगारी वो होती है कि भाई मौसम हुआ, काम आ गया, मौसम आउट ऑफ मौसम है तो काम खत्म। सिंपल सी लैंग्वेज अगर दो टुक में बोलूं, मौसमी बेरोजगारी वो हुआ कि अगर हाँ सीजन है तो काम है, सीजन ऑफ तो काम खत्म। ये तो होगी एक सिंपल, एक आम भाषा के अंदर। लेकिन इस तरह की बेरोजगारी जो बेसिकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र के अंदर ज्यादा पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो, जैसे कि आपने देखा होगा कृषि के अंदर जो लोग होते हैं, जब हम लोग गेहूं की रोपाई करते हैं, मीन्स जब गेहूं की जुताई करते हैं, फिर बुआई करते हैं, कटाई करते हैं,
ठीक है, ये सारी सारी चीज़ें होती हैं। बट जो जुताई बुआई जो होती है कुछ ही टाइम के लिए होती है, फिर उसके बाद तो फिर तो उसको छोड़ दिया जाता है, भाई उगेगा वो भी थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर घास काटे जाते हैं उसके अंदर बैठ के, वो अलग चीज़। तो कहीं ना कहीं जब जुताई और बुआई हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, आदमी बेरोजगार होते हैं। भाई अगर गाँव की बात करें तो लोग हुक्का पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सुलगाते हैं, इधर छोटे मोटे काम करते हैं, यही होते हैं जो भी अनप्रोडक्टिव वाले काम होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये सीजन चल रहे होते हैं तो लोग फिर मौसम के हिसाब से बेरोजगार होने स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने देखा होगा जब गेहूं की कटाई होने के बाद फिर जो है कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा खेतों को खाली छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें उर्वरक शक्ति वापस आ सके। तो कहीं ना कहीं फिर ये मौसमी बेरोजगारी से रिलेटेड होता है, यानी कि कार्य खत्म हो जाते हैं तो जो लोग होते हैं वो बिल्कुल बेरोजगार होने लग जाते हैं। ऑटोमेटिक सिंपल टॉपिक था तो इस पर मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, ये मैक्सिमम लोगों को पता ही होता है। बात आती है प्रचंड बेरोजगारी। प्रचंड बेरोजगारी मतलब छुपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी कहते हैं। सिंपल सी बात है इसके अंदर भी कि छुपी हुई कोई चीज़ है, कि जो चीज़ चल रही है लाइक वायरस की तरह चल रही है, अगर समझने की कोशिश करें लाइक वायरस की तरह साथ में चिपकी हुई है, हम लोगों को पता नहीं है और वायरस का खून पी रहा है, कुछ इस तरह की फिलोसफी आप देख सकते हैं। जैसे प्रचंड बेरोजगारी कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य हो जाती है, इसमें उसको कहते हैं जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य है, मीन्स उनका काम में लगना ना लगना बराबर है। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री के अंदर 10 लेबर काम कर रहे हैं और कुछ प्रोडक्शन जो है कुछ कुछ चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं, जो 10 आदमी काम कर रहे हैं अगर उसमें से 3 आदमी निकाल भी दिए जाएं तो भी प्रोडक्शन उतना ही निकलेगा। तो कहीं ना कहीं 3 आदमी एक तरह से फालतू के काम कर रहे हैं, ये हमने देखा होगा। बेसिकली इस तरह की चीज़ें हम देख सकते हैं कृषि के अंदर या फिर अपने जो व्यवसाय होते हैं छोटे मोटे, जो आप जो हो सकते हैं कि जो खुद के जो व्यवसाय होते हैं उसमें भी इस तरह की जो है हमें प्रचंड बेरोजगारी जो है हमें देखने को मिलती है। तो ओवरऑल जिनकी उत्पादकता शून्य होती है अगर उनको हटा भी दिया जाए तो भी अगर बोलें तो उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसी को हम प्रचंड बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। सृजनात्मक बेरोजगारी, दोस्तों सृजनात्मक बेरोजगारी बेसिकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं दीर्घकालीन की तरफ से निर्भर करती है। अगर एमसीक्यू आ जाए किससे रिलेटेड है तो ध्यान रखिएगा दीर्घकालीन प्रवृत्तियां जो होती हैं, जो चेंजेस आते हैं उसी से रिलेटेड ये सृजनात्मक बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि आज के समय, एक ये भी एक डेफिनेशन हटाइए, सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं। आज के समय भाई मोबाइल्स का जमाना है, स्मार्टफोन का जमाना है, एक से एक एंड्रॉयड आ रहे हैं, धांसू वाले जिसको कह सकते हैं, खतरनाक फ़ोन आ रहे हैं, रैम्स तो कंपटीशन चल रहा है, 4 GB 6 GB। अगर मैं आपको बोलूँ नोकिया का 6600 आप रखें, आपको कैसा लगेगा? ठीक है, एक एंटिक पीस के हिसाब से समझ आता है। अगर मैं बोलूं आपको नोकिया का 3300 मॉडल, वो सबसे पहले वाला इतना बड़ा पत्थर सेट जिसको हम कहते थे, अगर मैं वो बोलूं, वो आज के समय क्या स्मार्टफोन को बीट कर पाएंगे? नहीं, वो चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, वो अब एक बेसिक फोन में आ गया है, स्मार्टफोन तो है नहीं। तो उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी, उस समय जो उन्होंने इतनी आय कमाई, नोकिया ने इतना ब्रांड कमाया, इतना पैसा कमाया, क्या आज भी वो सेट वापस ला के कमा सकता है? ऑफकोर्स नॉट। क्यों? आदमी की जरूरतें चेंज हो रही हैं। आज के समय कॉल करने के लिए पैसा हो ना हो पर डेटा पैकेज जरूर होना चाहिए, राइट? तो कहीं ना कहीं वो ट्रेंड हमारा वापस चला गया। अब इससे भी थोड़ा एक और लेके चलते हैं। पेजर का टाइम था जब 1999 के आसपास, पेजर्स आपने देखे होंगे, क्या आपको लगता है कि अभी भी पेजर्स का उपयोग इतना यूजफुल रहेगा? ऑफकोर्स नॉट। तो जब पेजर्स की जो फैक्ट्रियां लगी हुई उसमें लोग काम कर रहे थे वो कहाँ गए? दो ऑप्शन, या तो किसी ने जॉब छोड़ दी, जॉब शिफ्ट कर ली, या फैक्ट्री बंद हो गई, इस तरह की थिंग्स देखने को मिली। तो जिस वजह से मॉडर्नाइजेशन जब आती है इकोनॉमी के अंदर, जब इकोनॉमी का विकास होना स्टार्ट होता है तो पुरानी चीजें आउट ऑफ ट्रेंड हो जाती हैं, जिस वजह से कुछ लोग बेरोजगार हो जाते हैं, जिस वजह से कुछ लोग बेरोजगार हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेजर के अंदर कुछ 50 साल के कोई आदमी अगर कोई मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रहा हो, या फिर 55 साल के आदमी कोई मैनेजर पोस्ट पर काम कर रहा हो, तो क्या आपको लगता है कि उसको बहुत बाद उसको जॉब मिलेगी जल्दी? ऑफकोर्स बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आज के समय कोई भी हायर करता है यंगस्टर हायर करता है, ओल्ड पीपल्स मैं ये नहीं कह रहा, कर सकते हैं, काफ़ी लोग करते भी हैं, लेकिन अगर मैक्सिमम की बात करें तो यंगस्टर्स को आगे ही लेके आया जाता है। तो उसी को ही हम सजाता बेरोजगारी कहते हैं, यानी कि जब मॉडर्नाइजेशन का उपयोग होने लग रहा हो और पुरानी चीज़ें पीछे हो जा रही हों, जिस वजह से लोग बेरोजगार हो जा रहे हों, उसी को हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तो ये ओवरऑल प्रतियोगिता से रिलेटेड होता है, कंपटीशन से रिलेटेड होता है। तो दोस्तों ये अभी तक मैंने बेरोजगारी बेरोजगारी समझाई,
अब नेक्स्ट स्लाइड बनाते हैं और उसमें फिर हम विकसित देश और अन्य प्रकार के देखने की कोशिश करते हैं, और फिर इसको इस वीडियो को हम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि विकसित देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी कौन किस 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 टाइप की होती है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे पश्चिमी यूरोप हो, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है। वहाँ के यूथ भी कहीं ना कहीं नौकरी के लिए मीन्स कंपटीशन फेस करते हैं, चाहे वो पिज़्ज़ा हट की दुकान हो या फिर एक सीईओ की जॉब हो। तो कहीं ना कहीं विकसित देशों में जब बेरोजगारी मिलती है तो उसी के जैसे विकसित देशों के अंदर अगर हम एनालिसिस करें चीज़ों को, तो हमें चक्रीय बेरोजगारी और घर्षण जनित या भी प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है। अभी चक्रीय बेरोजगारी क्या है? चक्रीय बेरोजगारी मीन्स अगर बात करें इकोनॉमिक में जब उतार चढ़ाव होता है, इकोनॉमिक में जब उतार चढ़ाव होता है तो इस तरह की बेरोजगारी जन्म लेती है। जैसे अभी अपने हाल ही में 2008 के आसपास अमेरिका के अंदर बैंक कोलैप्स हो गए, अमेरिका की इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो गई, तो उस समय जो रोजगार में लोग लगे भी हुए थे उनको भी निकाल दिया गया, तो जो परमानेंट जॉब वाले भी थे उनको भी निकाल दिया गया। रीजन क्या था? क्यों? इकोनॉमिक के अंदर ऑटोमेटिक मंदी आ गई। जब मंदी आई, बैंक्स कोलैप्स हुए, लोगों ने पैसा निकाल लिया और ऑन द स्पॉट, तो फिर क्या हो गया? प्रोडक्शन हुआ नहीं, तो जिस वजह से मंदी आई, जिसके कारण कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे चक्रीय बेरोजगारी हमें देखने को यहाँ पे मिलती है, चाहे मंदी का दौर हो। फिर अगर हम बात करें घर्षण जनित बेरोजगारी की, तो दोस्तों ये ऐसी बेरोजगारी होती है कि लेट सपोज आप हैं, मान लीजिए आप एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, आपको लगा आप अपनी नौकरी से 2 साल आपने जॉब करी, आप बोले ठीक है अब ट्राई टू शिफ्ट, ट्राई टू चेंज, प्रमोशन नहीं हुई, प्रमोशन रोक दिया गया, तो आप गुस्से में आ गए, गुस्से में आपने रिजाइन दे मारा। तो जब रिजाइन दे मारा, फिर आपने Naukri.com या फिर और वगैरह वगैरह जगह आपने इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया, तो ऐसा तो नहीं कि आपने नौकरी छोड़ दी और आपको अगले दिन ही जॉब मिल जाए। भाई टाइम में प्रोसेस लगता है, इंटरव्यूज में भी टाइम लगता है। तो जितने दिन आप खाली बैठे, चाहे वो 1 महीना हो, चाहे वो 10 दिन हो, चाहे वो 20 दिन हो, कहीं ना कहीं आपकी इनकम तो नहीं आ रही। फिर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अन उत्पादक श्रेणी में आप आ रहे हैं, तो उसी को हम घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। या फिर एक एग्जाम्पल और लेके समझते हैं, जैसे कि नई टेक्नोलॉजी हो गई। भाई अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल आपको दिया था कि लाइक पेजर का ज़माना, अगर उस समय पेजर थे 1999 के आसपास, आज के समय आपको लगता है कि पेजर की वैल्यू है? मेरे हिसाब से ना के बराबर है। तो जब पेजर के लोग, जब पेजर की जो मैन्युफैक्चरिंग होती थी, उन लोगों का क्या हुआ? दो ऑप्शन, या तो उन्होंने नौकरी छोड़ दी, या फिर नौकरी छोड़ के कहीं और इधर उधर शिफ्ट हो गए, या फिर नौकरी पे गए नहीं। तो जब वो लोग उस, अब आज के समय मोबाइल का ज़माना आ गया है, उस समय जब पेजर की जब दुकान है मीन्स जब मैन्युफैक्चरिंग जब बंद हुई, तो कहीं ना कहीं लोग फिर टेक्नोलॉजी को, एडवांस टेक्नोलॉजी करने में कि भाई कहीं कहीं ना कहीं छोटी मोटी जॉब मिल जाए, मोबाइल्स में जॉब मिल जाए। तो कहीं ना कहीं जब टेक्नोलॉजी के कारण कुछ लोग, जब फैक्ट्रियां बंद हो जाती हैं टेक्नोलॉजी के कारण, तो फिर उसको हम घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और लेके चलते हैं हम एग्जाम्पल। आपने देखा होगा आज के समय टीवीज जो हैं ज़्यादा ज़्यादा LCD LED टाइप के ज़्यादा आ रहे हैं, जो बड़े बड़े जो बक्से वाले सेट होते थे उनका चलन बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो कहीं ना कहीं वो टीवी बंद हो चुके हैं। दो ऑप्शन, या तो टेक्नोलॉजी अपना लें, बट लेकिन टेक्नोलॉजी भी अपनाएंगे तो भी तो उसमें टाइम लगेगा, लगेगा थोड़ा बहुत। अब ऐसा तो नहीं कि एक दिन में सारी मशीनें चेंज हो जाएंगी, प्रोसेस में हर चीज़ में टाइम लगता है अगर हम बड़े लेवल पे सोचें तो। तो जितने दिन उत्पादन नहीं होगा, जितने दिन उत्पादन नहीं होगा, उसको हम कहीं ना कहीं घर्षण जनित बेरोजगारी की समझ से समझते हैं। तो इसी चीज़ को, यानी कि जब नई से पुरानी से नई टेक्नोलॉजी की तरफ आदमी बढ़ता है, तो उसको फिर हम घर्षण जनित बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। अभी तक हमने विकसित विकसित देशों में जो पाई जाने वाली बेरोजगारी वो देखी, अल्प यानी कि विकासशील देशों में पाई जाने वाली बेरोजगारी देखी। अब कुछ छिटपुट बेरोजगारी भी देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है यहाँ से भी MCQ निकल जाए UPSC में या फिर अदर स्टेट PCS में, तो उसी को समझने की कोशिश करते हैं। ऐच्छिक बेरोजगारी दोस्तों, ये वह बेरोजगारी जो एक आदमी ढीठ है, ढीठ समझते हैं, ढीठ इन द सेंस वो काम ही नहीं करना चाहता, चाहे उसको कोई भी मजदूरी मिले,
यानी प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार ही नहीं है कि मैंने करना ही नहीं है, मैंने बैठना है, वेला बैठना है, को इस तरह की थिंग्स। यानी कि या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि या फिर वो ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहा हूँ, जैसे कि हम देखते होंगे जब हम आपके घर में जब लेबर्स बनती हैं, मीन जब आपके घर में कंस्ट्रक्शंस होती हैं, तो आप फिर एक ऑर्डिनरी लेबर लेने चौक पे जाते हैं, फिर वहाँ से लेबर्स उठाते हैं, तो आप मोल भाव भी करते होंगे। मीन्स कुछ बोलते हैं नहीं भाई मैं 500 लूँगा, नहीं मैं 600 लूँगा, मैं 500 से नीचे लूँगा नहीं, कराना कराओ नहीं कराना मत कराओ। तो उसको काम तो मिल रहा है लेकिन उसको मजदूरी भी चाहिए, मीन्स उसको एक उसकी एक दर जो उसने अपने हिसाब से सोची उसके हिसाब से उसको चाहिए, उससे नीचे वो काम करेगा ही नहीं। तो जिस वजह से इसको हम ऐच्छिक बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। इसी तरह खुली अनैच्छिक बेरोजगारी जो प्रचलित दर की मजदूरी से जो काम करने को तैयार तो होते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा होता, एक ऑर्डिनरी डेफिनेशन, इसको हम खुली या फिर अनैच्छिक बेरोजगारी कहते हैं। इसमें कुछ खास था नहीं, तो जिस वजह से मैंने कुछ ज़्यादा आपको पढ़ाया नहीं, जहाँ पे फोर्स करना था बस उन्हीं चीज़ों पर ही मैंने सबसे ज़्यादा जो है फोर्स यहाँ पे किया है। अभी तक हमने निर्धनता, हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है, अब हम बेरोजगारी पे हम आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ें देखेंगे और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में बेरोजगारी ख़त्म ही हो जाए, या फिर ज़्यादा मैक्सिमम मैक्सिमम 2 वीडियो बनेंगी, क्योंकि फिर हम इसमें हम MCQs भी देखेंगे, क्योंकि MCQ प्रिंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से अब इसमें हम प्रैक्टिस MCQ देखेंगे। अब मैं आपको MCQ समझाऊंगा नहीं, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में समझाया था कि कैसे हिट करते हैं, कैसे किसी क्वेश्चन का एलिमिनेशन करते हैं, इसमें आप डायरेक्ट MCQ खेलेंगे और उसके बाद फिर हम इस सीरीज का इस यूनिट को हम ख़त्म करेंगे। तो गाइज मेरे चैनल्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जैसा कुछ चीज़ आपको समझ आ रही है, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब, लाइक डिसलाइक, जैसे कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, बट ये वीडियोज़ को वहाँ तक जरूर पहुँचाइए, अपने फेसबुक पे, अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब पे, जैसे भी आपको समझ आ रही हैं चीज़ें, आप प्लीज़ इन चीज़ों को शेयर कीजिए, बस मुझे और कुछ कुछ नहीं चाहिए, ताकि कोचिंग वर्सेस नॉन कोचिंग का जो बैरियर है उसको मैं ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। टाइम लगेगा पर मुझे विश्वास है एक दिन हम सब मिलकर ख़त्म करेंगे, क्योंकि मैं अकेला नहीं कर सकता, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो हम सबका जो विश्वास एक ना एक दिन जरूर पूरा होगा। सो गाइज थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।